हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, फाइनली यहां पे सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 4 प्रो को लॉन्च कर दिया गया है, जहां पे इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कमाल के देखने को मिल रही है। वो भी सबसे ज़्यादा यहां पे बिकने वाला स्मार्टफोन है जो कि ये ऑर्डर हो चुका है, मतलब प्री ऑर्डर हो चुका है। अब यहाँ पे देखना ये है कि ऐसे इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको पिन देखने को मिल रही है, मतलब एक जो एस पेन होता है उसे ऑपरेट करने के लिए। खैर, यहाँ पे हम आते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। उससे पहले बता दूँ, मैं आपको चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। उससे पहले एक छोटी सी मैं आपको इन्फो दे दूँ कि यहाँ पे जुलाई के मंथ में इंडिया ने आपको 2.7 करोड़ पोस्ट हटाई गई है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। ये चीज़ें आपको गैजेट 360 से मिल रही है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम में से कोई एक पोस्ट है? मेरा तो ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। तो यहाँ पे दोस्तों बात है, ये हो रही है सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 4 प्रो के बारे में। यहाँ पे 10.1 की आपको TFT LCD देखने को मिल रही है, जहाँ पे जिसका स्क्रीन का गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ मिलता है। साथ ही में आपको 6 nm का अक्टा कोर का प्रोसेसर है। हालांकि ये गूगल प्ले कंसोल पर लिस्टिंग के हिसाब से सारी चीज़ें बताई जा रही है। फिर एक चीज़ है कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G मोबाइल का प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है। स्टोरेज की बात की जाए तो टैबलेट में एक्टिव 4 प्रो में 4GB रैम के साथ 64GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। उसके साथ में एक और वेरिएंट है जो 6GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज मिल रहा है। साथ ही में आपको बैटरी के लिए अगर 7600mAh की बैटरी यहाँ पे बात की गई है, और साथ में बैटरी का मोड मिलता है जैसे कि बिना बैटरी के बाहरी पावर के सोर्सेज में कनेक्ट करता है। तो हालांकि सैमसंग के न्यूज़ रूम से हिसाब से अगर मैं बात करूँ उसके कैमरे के बारे में, तो कैमरे आपको 13 मेगापिक्सल का पहला कैमरा है। और फिर यहाँ पे सिस्टम की बात करें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है गैलेक्सी टैब एक्टिव 4 प्रो में, तो 12 पर बेस्ड है, One UI पर काम करता है। कनेक्टिविटी की बात कर लें तो इसमें डुअल सिम 5G का वाईफाई 6 है, आपको GPS ब्लूटूथ 5.2, GPS NFC माइक्रो SD कार्ड के जरिए से USB टाइप से पोर्ट सारी चीज़ दे रखे हैं। कहने का मतलब है कि ये जो फ़ोन है, जैसे कि इस पर एक इसमें आपको इंटीग्रेटेड एस पेन के साथ साथ मिलता है, तो टच आपको दोनों तरीके से काम करेगा। ये भी है सैमसंग में, ये चीज़ मिलता ज़रूर है और इन्होंने दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात इसमें नहीं है। और इसमें जो दे रखा है, स्क्रीन का हर्टेज रिफ्रेश रेट का शो नहीं कर रहा है, TFT LCD दे रखा है। डिस्प्ले कौन सा टाइप है ये अभी तक इसमें कंफर्म नहीं किया गया है। हालांकि ये कंसोल लिस्टिंग, गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग से सारी चीज़ें पता चल रही है, जो कि चीज़ खबर है। हालांकि ये कंफर्म लॉन्च है। अब आप चाहिए तो अगर इंडिया में आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, शायद आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आपको गाइडेंस मिल जाए इंपोर्ट करने का। लेकिन सारी चीज़ यहाँ पे आप डेमो कंडीशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ है इंपोर्टिंग का थोड़ा सा मसला अलग होता है। फिलहाल के दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।